गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज सैटरडे, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:10। तो आज है नो ट्रेडिंग डे। तो आज सैटरडे मार्केट क्लोज रहता है। तो आज जो है एक मेरा थोड़ा एक्साइटेड वाला दिन है, क्योंकि आज मेरा जो है न्यू मॉनिटर आने वाला है। तो फ्लिपकार्ट वाले बॉय अभी फ़ोन किया था मुझे, सो अभी वही लेने के लिए जा रहा हूँ। मॉनिटर 32 इंची का कर्व डिस्प्ले वाला मॉनिटर, जो काफ़ी एक्साइटेड हो वो मैं अपना टेबल पे लगाने के लिए। सो देखते हैं कैसे रहते हैं। जेब्रोनिक का जो है आपका मॉनिटर है, और उसका क्वालिटी कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, देखने में कैसा है, मैं आप लोगों को पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सेटअप कहाँ करूँगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है थोड़ा छोटा रूम है, इस वजह से ये वाला ट्यूबवेल मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, वो मैं निकल के रख दूँगा बाहर। तो अभी ट्यूबवेल जो है बोर्ड के पास वहाँ पे रखूँगा और वहीं सेट करूँगा, और क्योंकि यहाँ पे जो सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वायर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। इस वजह से वो जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके पास ही जो है मुझे ट्यूबवेल बिठाना है। और फिलहाल जो है चेयर जो है, तो यही प्लास्टिक वाला चेयर से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है आपका जो क्या बोलते हैं वो चेयर, उसका थोड़ा ज़्यादा उसका जो है प्राइस है 6,000-7,000 रुपये लग जाएगा। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है पैसा के लिए। जो ट्रेडिंग में कुछ मेरे को हुआ था, इन्हें प्रॉफिट हुआ था, उसी से मैं एक मॉनिटर खरीद लिया हूँ फिलहाल। तो काम हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, बाकी देखेंगे बाद में। तो चलिए फटाफट जाते हैं, जाके अपना परचेस जो है लेते हैं, लेके फिर आते हैं और अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसा क्या रहता है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर रखिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा के रखिए। तो इसी तरह ब्लॉगिंग और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं बाहर। एक्साइटेड इतना हूँ, तो जो मॉनिटर जो फ्लिपकार्ट वाला बॉय है वो दूसरी जगह गया है, तो मैं गया था कि वो आया नहीं है अभी तक। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा एक घंटा और टाइम लग गया। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ, जो जहाँ पे मैं मॉनिटर बिठाऊँगा तो वो अभी जो है मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो इस साइड में था तो इसे हटा दिया हूँ, ये वाला जो ट्यूबवेल है ट्यूबवेल को उस साइड में रखूँगा, और बाकी कल जो है मैं इसे जो फिक्स किया था यहाँ पर राउटर और मोबाइल और जो है एलेक्सा रखने के लिए, बाकी जो है टेबल इस साइड में रखूँगा, मॉनिटर ही रखेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर रखूँगा तो वहाँ पे जो है उलटने का चांसेस हाई रहता है। तो इस वजह से मैं वॉल पे पूरा लगा के रखूँगा ताकि जो है गिरे ना। तो इसे जो है मैं बाहर कर दूँगा, तो देखता हूँ कहाँ पे रख सकता हूँ। फिलहाल जो मैं वहाँ पर जगह निकल लिया हूँ, तो अभी ये वाला जो है टेबल वहाँ पर रखूँगा। सो फटाफट टेबल वगैरह सेटिंग करता हूँ और फटाफट जाके मॉनिटर लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कैसे रहेगा मॉनिटर। तो चलिए फटाफट सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ मॉनिटर अनबॉक्सिंग में। सो फाइनली आ गया फ्लिपकार्ट वाले, तो मैं कार लेकर आया हूँ। तो माल कहाँ पे रखा है पता नहीं, वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बोल रहा है। जाके लेता हूँ फटाफट। तो शायद अंदर घुसा दिया है, तो अपना मॉनिटर आ गया है। आई एम सो एक्साइटेड। दोटा गाड़ी आनस ना कि तटा गाड़ी सो फाइनली अपना मॉनिटर आ चुका है। दिखाएगा
यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग हो गया है क्योंकि उन लोगों को अभी जो है दिखा के देना पड़ता है कस्टमर को। तो ले लिया हूँ मॉनिटर और पीछे रखा है, आप देख सकते हैं जेब्रोनिक का कर्व डिस्प्ले, 32 इंच कर्व डिस्प्ले। अभी फटाफट जाता हूँ, अनबॉक्सिंग तो हो ही गया है, वो लोग अनबॉक्सिंग करके ही देगा क्योंकि फ्लिपकार्ट का अभी नया रूल है, जो बड़ा इलेक्ट्रिक आइटम होता है तो उसे चेक करके, चेक तो नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी दे के, तो आप करंट दे के तो चेक नहीं करवाया, तो इसीलिए डैमेज वगैरह चेक कर लिया हूँ, फिलहाल ठीक है। और बाकी जगह अभी फटाफट सेटअप करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। सो फाइनली मैं घर पे पहुँच गया है, तो अपना मॉनिटर जो है आ गया है। सो अभी इसे फटाफट असेंबल करना है, फटाफट असेंबल करके आस्ते, हवा चल रही है बाहर, तेज़ हवा चल रहा है अभी बाहर, तो अपना गाड़ी वहाँ पर रख दिया हूँ, तो इसे फटाफट असेंबल कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है, बिग क्वालिटी कैसा है, बाकी सब इसी वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार तो अनबॉक्सिंग हो गया, तो दोबारा और एक बार अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैं बेड पे ले जाता हूँ इस साइड में, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, टेस्टर लाने गया था। ये है जेब्रोनिक का 32 इंच कर्व डिस्प्ले वाला आपका मॉनिटर, तो इसे अभी फटाफट सेटअप करता हूँ।
स्टोरे लगा दिया हूँ, अभी इसे सेटअप करता हूँ फटाफट। मॉनिटर तो लग गया है, तो अभी फटाफट इसको मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसका जो है क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। क्वालिटी बोलते इसका जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल है कि नहीं, वो भी चेक करा लेता हूँ। तो फटाफट मैं अपना लैपटॉप से यह कनेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आने वाला। तो फटाफट कनेक्ट करता हूँ और देखिए काफ़ी बड़ा LCD है 32 इंच का, तो फटाफट मैं कनेक्ट करता हूँ, आप लोग बने रहिए। तो अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी देखिए इसको ये अपना जो है आसुस का जो है लैपटॉप है, सो फाइनली मेरा लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है, HDMI कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं लैपटॉप का स्क्रीन, ये अपन जो है डेस्कटॉप मॉनिटर का स्क्रीन। तो फैन थोड़ा बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं एक तो आपका 4K वीडियो चला के दिखाता हूँ कैसा रहता है इसका क्वालिटी। तो सामने लैपटॉप का स्क्रीन और यहाँ पे डेस्कटॉप का स्क्रीन है 4K। मैं खिड़की थोड़ा बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए तो इसका क्वालिटी आपको अभी समझ में आएगा। तो अभी पूरा 4K में चल रहा है, तो साइड से थोड़ा आपको ग्लेज देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है इस वजह से। तो दरवाज़ा बंद करके मैं दिखाता हूँ कि इसका क्वालिटी। तो इसमें इनबिल्ट आपका जो स्पीकर आता है, तो इनबिल्ट स्पीकर, तो अभी जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है तो इसी का है, उसे साउंड सुनाई दे रहा है। कॉफ़ी रटना लग जाए तो साउंड थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ना कि बराबर कर देता हूँ, सिर्फ आपको यह स्क्रीन देखिए। तो लैपटॉप का स्क्रीन जाहिर है आपको थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है, उसका प्राइस भी बेटर है इस वजह से। तो मॉनिटर का स्क्रीन तो 32 इंच का कर्व डिस्प्ले है, तो आपको पता चल जाएगा पूरा जो है ज़्यादा बेजल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बेजल है, तो कर्व डिस्प्ले है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें मुझे काफ़ी बढ़िया से जो है चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रेडिंग
का जो है चार्ट। तो कैसे लगा? तो पसीना इतना हो गया है, गर्मी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे। तो आज के एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो, तो अभी मुझे सब कुछ जो है सेटल करना है। जस्ट आप लोगों को मैं दिखाया हूँ कि मॉनिटर कैसा है, जेब्रोनिक का जो है 32 इंच का जो है कर्व डिस्प्ले वाला, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक तो मेरा लैपटॉप है जो है आपका आसूस का स्टिक 5, और यहाँ पे मेरा जेब्रोनिक का जो है मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप आ चुका है। तो डेस्कटॉप तो अभी तक बना नहीं है, जस्ट मॉनिटर है। बाकी डेस्कटॉप में टाइम लेके मैं डेस्कटॉप भी बना लूँगा, सिर्फ सीपीयू चाहिए। और बाकी कैसा लगा मुझे आपका ये छोटा सा वीडियो जो है अनबॉक्सिंग वीडियो, तो होप आप लोगों को अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का वीडियो भी ला रहा हूँ, अभी आपको जो है ब्लॉगिंग भी आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं एक्टिव हो रहा हूँ। सो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा आप लोगों के बिना। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ला सकूं। तो कैसे लगा डिस्प्ले और मुझे ओवरऑल, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। तो ये कितना में पड़ा है मेरा जो है मैं बता देता हूँ, ये मुझे 10,600 रुपये में जो है पड़ा है, ये जो है 32 इंच का जो है जेब्रोनिक का जो है आपका एलसीडी बोले तो आपका जो फुल एचडी डिस्प्ले है, तो 10,500 रुपया में पड़ा है। तो मैं ईएमआई में परचेस किया हूँ, तो मैं ट्रेडिंग करके मैं जो है ड्यू रहेगा मैं क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग अभी सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा जो है अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अभी बेहतर से बेहतर मैं चार्ट देख सकता हूँ तीनों में, तो 10,500 में बढ़िया जो है मॉनिटर मिला है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए आप लोगों को कौन सा जो है मॉनिटर अच्छा लगता है, तो आप लोग का खुद का चॉइस है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे लिए आपके लिए क्या है वो आप लोग का जो है व्यू पॉइंट है। तो अभी बस ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो, बाय टाटा।